हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हमारे पास जब हम कुछ क्राफ्ट करते हैं तो कार्डबोर्ड के इस तरीके के पीसेज हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं भी क्राफ्ट करती हूँ, मेरे पास इस तरीके के कार्डबोर्ड के पीसेज काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी से कुछ DIY किया जाए। तो मैंने जिस तरीके से आपको देखा है, इस तरीके से मैंने इस कार्डबोर्ड के पीसेस को कट कर दिया, जिस तरीके से मेरे पास जो भी मुझे डिज़ाइन बनाना था इस तरीके से, और फिर मैंने उसको मल्टी कलर में पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद मैंने छोटे पीसेस को अलग पेंट किया था, लेकिन पेंट करने से पहले मैंने इस तरीके से कार्डबोर्ड पर एक नैपकिन पेपर का लेयर ले ली, तो उससे कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है, क्योंकि अगर हम कार्डबोर्ड के ऊपर डायरेक्ट कलर करते हैं तो वो देखने में इतने अच्छे नहीं लगते। इसलिए जब भी कार्डबोर्ड के ऊपर कोई क्राफ्ट करते हैं तो मैं इस तरीके से उसके ऊपर एक लेयर टिश्यू पेपर की लगा लेती हूँ। टिश्यू पेपर सूखने के बाद मैंने इस तरीके से मनचाहे कलर से पेंट किया। डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हैं, कुछ मैंने थोड़ा सा क्ले वर्क किया है, ये छोटी छोटी सी बॉल्स जो है वो मैंने क्ले से बनाई है, और फिर मैंने इस तरीके से इस पर कलर करके और मेरा एक वेस्ट कार्डबोर्ड का क्राफ्ट बनकर रेडी हो गया। तो एक मेरा इस तरीके से वॉल डेकोर बन गया। तो चलते हैं अपने सेकेंड DIY की तरफ। सेकेंड DIY के लिए मेरे पास इस तरीके के बच्चों की बुक्स में जो पुरानी सीरीज़ निकलती हैं, ये मेरे पास एक रखी हुई थी, तो उसी के ऊपर मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बनाया। सबसे पहले मैंने इस तरीके से एक आउटलाइनर की हेल्प से डिज़ाइन बना लिया है, और फिर उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर कर सकते हैं। इस तरह का पेंट आप जो एक ट्रांसपेरेंट शीट आती है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, ग्लास के ऊपर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये एक डिज़ाइन बना लिया। तो जो मेरे पास वेस्ट CD पड़ी हुई थी वो भी मेरी यूज़ हो गई, और घर भी एक थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए एक मेरा आइटम बनकर रेडी हो गया। तो मैंने इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाए और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर किए हैं। कुछ मैंने ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट नहीं रखा है, बिल्कुल सिंपल किया है। कुछ मिरर वर्क नहीं रखा किया इसके ऊपर। तो ये CD पर मैंने केवल बस एक गोल्डन कलर का जो हमारा आउटलाइनर होता है उसकी हेल्प से मैंने बस केवल इसके ऊपर कलर किया, गोल्डन एक्रेलिक से आउटलाइन किया। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर सिंपल सिंपल डिज़ाइन बनाकर इसके ऊपर कलर कर दिए। तो इस तरीके से मेरा एक फ्रिज मैग्नेट बनकर रेडी हो गया। तो मैंने सेंटर का जो पोर्शन होता है इस तरीके से उस पर क्ले वर्क किया है, और क्ले को मैंने इस तरीके से राउंड में लगाने के बाद पेंट किया, और पेंट करने के बाद उसके अंदर आँख और फेस उसका बना दिया। तो और उसके बाद मैंने इसके ऊपर पीछे के साइड एक मैग्नेट लगा दिया, जिससे ये हमारा एक फ्रिज मैग्नेट बनकर रेडी हो गया। तो वेस्ट CD से हमारा एक डेकोर बन गया। बढ़ते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। तो इस तरीके से मेरे पास एक बॉटल रखी हुई थी, उसको मैंने वॉश करने के बाद एक जैसो का कोट दे लिया। जैसो करने के बाद पेंट हमारे काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, जो कि ग्लास के ऊपर से उतरते नहीं हैं, क्योंकि एक्रेलिक कलर ही किए हैं, उस देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर किए, और ग्रीन कलर करने के बाद मैंने इस तरीके से कुछ फ्लावर्स बना दिए, और एक मैंने फिगर इस पर ड्रॉ की है। तो फिगर का फेस बनाने के लिए मैंने इस तरीके से एयर ड्राई क्ले का यूज़ किया है, उससे लड़की का फिगर बनाया, और बाकी मैंने सारा पेंट किया है। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ फिर आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।